हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज सबके सामने मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूँ असम एससीईआरटी डीएलएड पैट 2024 के लिए, और ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी, तो इस पर पूरा ऑल जो सिलेबस है वो कवर होगा, साथ ही साथ मैथ्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, लैंग्वेज के ऊपर क्लास होगा, और आज कह सकते हैं फर्स्ट क्लास होगा लैंग्वेज के ऊपर, बंगाली लैंग्वेज के ऊपर। तो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी। ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली 300 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और देखो, असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का भी क्लास चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर लो, और ये सब क्वेश्चन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये अप्लाई नहीं है? ऑप्शन सर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, या ऑप्शन डी इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द अबव स्टेट। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी इट अप्लाइज टू ऑल ऑफ द अबव स्टेट। ठीक है, पहले अभी देखो जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, तब मतलब कह सकते हैं इस पर यह लागू नहीं था, लेकिन अभी ये यूनियन टेरिटरी हो गया, तो इस पर क्वेश्चन कह सकते हैं कौन से स्टेट और यूटी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द वीक जोन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो वीक जोन कौन सा है, सिस्मिक, कॉस्मिक, फॉर्मिक या एनेमिक, कौन सा राइट आंसर है? आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी सिस्मिक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, द वर्ल्ड्स नेशन 5G मोबाइल नेटवर्क वॉज लॉन्च बाई हुई कंट्री। फर्स्ट टाइम किसने लॉन्च किया था 5G मोबाइल नेटवर्क? ऑप्शन सर जापान, एशिया, साउथ कोरिया, या ऑप्शन डी मलेशिया। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी साउथ कोरिया। सेकंड कौन सा कंट्री था, वो था जापान। और अभी देखो रिसेंटली 6G मोबाइल कौन सा कंट्री लॉन्च कर रहा है, वो है चाइना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द DRDL। तो देखो ऑप्शन सर डिफरेंट रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन लैबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पे ग्रीन प्लैनेट कौन सा है, मार्स, यूरेनस, वेनस, या ऑप्शन डी अर्थ। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी, यानी यूरेनस। ठीक है, और जो रेड प्लैनेट वो है मार्स, ठीक है, और अर्थ है ब्लू प्लैनेट, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, स्कर्वी इज कॉस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कौन से डेफिशिएंसी के वजह से स्कर्वी जो रोग वो होता है? ऑप्शन सर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, या विटामिन के। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 7, चलो 6 के बाद 7, अंडर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन अंडर, देखो आर्टिकल 24, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, या ऑप्शन डी आर्टिकल 43A। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 24। क्वेश्चन नंबर 8, द इन व्हिच ईयर फर्स्ट 5-year प्लान वॉज स्टार्टेड। ऑप्शन सर 1950, 1951, 52, या 55। इसका राइट आंसर होगा देखो वो है ऑप्शन बी, यानी 1951। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व। तो कौन सा स्टेट पे कह सकते हैं हाईएस्ट कोल रिजर्व है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द REC, रूरल एनर्जी कॉरपोरेशन, रूरल एनर्जी काउंसिल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, या ऑप्शन डी देखिए रूरल इकोनॉमिक काउंसिल। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, ओजोन इज सिचुएटेड इन व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑप्शन सर ट्रोपोस्फीयर, लिथोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, या स्टेटोस्फीयर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी, यानी स्टेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो व्हाइट रेगुलेशन डेयरी सही है, ग्रीन रेगुलेशन एग्रीकल्चर सही है, ब्लू रेगुलेशन फिशरी सही है, रेड रेगुलेशन गलत है। ठीक है, ये मीट और कह सकते हैं टोमेटो से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच।